नमस्कार मित्रों, कुक विद पुष्पा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं ताकत से भरपूर, खाने में स्वादिष्ट मेवा के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेवा के लड्डू। तो मेवा के लड्डू बनाने के लिए हमें इन सभी सामग्रियों की ज़रूरत है, जिसमें हमने एक पाव गरी का गोला लिया है, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। देखिए इस तरह से पतला पतला काट लिया है हमने। और यहाँ पर हमने 50 ग्राम मखाने लिए हैं, और ये हमने खोया बनाया है जो कि दूध से हमने घर में ही बनाया है। और ये हमने छुहारे काटे हैं पतले पतले, बारीक बारीक इनको भी काट लेना है, गुठलियाँ निकाल देनी है इनकी। और ये किशमिश है, और ये है हमारा गोंद जिसको हम अभी भूनेंगे, और ये है बादाम। तो मेवा आप कितनी भी ले सकते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है कि आप कितनी मेवा लें, जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। और ये है हमारा देसी घी जिसमें हम सारी सामग्री को भूनेंगे। अब हम कढ़ाई को गैस पर रख के गैस ऑन कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, और सबसे पहले हम मखाने को भूनेंगे। मखाने में हम ज़्यादा घी इसलिए नहीं डालेंगे कि मखाने घी को सोख जाते हैं, इसलिए ये थोड़े ही घी में भूनना सही रहेगा। मखाने हमारे ब्राउन कलर के हो जाएं, धीरे धीरे इसी तरह चलाते रहेंगे। तो अब हमारे मखाने गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम एक एक करके ड्राई फ्रूट सारे भून लेंगे। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे, और घी गर्म होने के बाद हम इसमें गरी का गोला भूनेंगे। गरी भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो देखिए हमारे गरी में भी कलर आ चुका है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से थोड़ा घी और डाल के हम इसमें छुहारे भून लेंगे। छुहारे के बाद हम बादाम भूनेंगे। सारे ड्राई फ्रूट का भूनने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए हमने कोई ड्राई फ्रूट जल्दी भुन जाता है, कोई देर में भुनता है, इसलिए हमने सारे ड्राई फ्रूट को अलग अलग करके भुना है एक एक बार में। तो अब बारी है गोंद भूनने की। गोंद भूनने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा सा घी डालेंगे, और घी गर्म होने के बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के भूनेंगे, क्योंकि घी में भुनने पर गोंद फूल के बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा गोंद भून लेंगे। तो अब हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट भुन चुके हैं, अब हम इन्हें मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब हम लड्डू के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 400 ग्राम चीनी ली है, और 200 ग्राम पानी डाला है, और इसको गैस पे चढ़ा दिया है। अब चाशनी हमारी बन रही है, देखिए थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। तो इसी तरह से चाशनी को हम 10 मिनट तक मीडियम आंच पर बनने देंगे। तो अब हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। ये जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया है, उसमें हमने खोया मिला लिया है, और इसमें हमने बीच में गरम ही चाशनी डाल ली है, और इसको फटाफट मिक्स कर लेंगे और लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। ये लड्डू हमने सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट और खोया से बनाए हैं, इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलाया है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लड्डू खाने में कितने ताकतवर होंगे। ये दो लड्डू आप रोज़ शाम को गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। ये लड्डू आपको खाने में टेस्टी भी लगेंगे और आपकी ताकत को भी बढ़ाएंगे। तो लीजिए, हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, और आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।